हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। आप सबको हैप्पी क्रिसमस। और क्रिसमस पर मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी आता है, तो इसलिए मैं उनका फेवरेट गाजर का हलवा बना रही हूँ। ये मैंने कद्दूकस करके ये साबुत गाजर को मैंने पहले पील करके रखा, वॉश भी कर ली, और फिर उसके बाद मैंने इसे कद्दूकस किया है। अब मैंने गैस को ऑन करा है और कढ़ाई रख दी हूँ गैस के ऊपर। मेरा कढ़ाई गर्म भी हो चुका है। इसमें अब मैं डाल देती हूँ घी। घी का तो भाई गाजर के हलवा में, कोई भी हलवा में हिसाब कुछ नहीं है। आपको जैसा सही लगे वैसा डाल दो। मैं भी थोड़ा डाल ही देती हूँ। तो ये मैं इतना और थोड़ा सा और इधर जो मैं गाजर को चॉप करके रखी हूँ वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और 5 मिनट मैं इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। जो भी मुझे कुकिंग अच्छा लगता है, जो मैं घर में अपने खाने के लिए, अपने यूज के लिए बनाती हूँ, मैं वही चीज़ आप लोग के साथ ही शेयर करती हूँ। इसको मैं ढक देती हूँ। एक किलो गाजर में मैं इतना सा चीनी दे रही हूँ, थोड़ा सा और मैं दे दूँ। चीनी के साथ मिक्स करके मैं गाजर को और थोड़ा देर पका रही हूँ ताकि ये चीनी के पानी में अच्छे से पक जाए। अब मैं डाल रही हूँ दूध। दूध अंदाजन मैंने आधा किलो डाला है, क्योंकि मैं खोआ एक्स्ट्रा नहीं डाले, इसलिए मैंने भैंस का बफेलो मिल्क डाली हूँ। उसमें अच्छे से ये पकेगा और ये दूध जल के खोआ भी हो जाएगा। आप देख सकते हो कि गाजर का हलवा जो है धीरे धीरे पक रहा है, दूध भी इसमें सोख रहे हैं। और ये यहाँ तक था, यहाँ तक दूध, अब ये यहाँ आ चुका है। अभी और भी 20 से 25 मिनट लग ही जाएंगे इसको बनने में। ये आप देख सकते हो कि मेरा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बन गया है। मैं गैस का फ्लेम हाई कर चुकी हूँ और मैं 5 मिनट इसको इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा और भी स्वाद घी का आ जाए। मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसको कर देती हूँ डेकोरेट। ये देखो मेरा गाजर का हलवा बनके तैयार हो। आप सब मुझे लाइक और सब्सक्राइब भर भर के करना, कमेंट भी करना कि आपको कैसा लगा।